গেরোসিনের সঙ্গে ভেজাল মিশিয়ে তৈরি হচ্ছিল টারপিন তেল। এরপর সেই তেল বোতলে ভরে বিক্রি করা হচ্ছিল বাজারে। শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় এমনই ভেজাল টারপিন তেলের কারবার চলছিল বহুদিন ধরে। অবশেষে বৃহস্পতিবার 44 নম্বর ওয়ার্ডে আশিকঘাট রোডে একটি বাড়িতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও ভক্তিনগর থানা। বাড়িটি থেকে হাজার লিটারেরও বেশি ভেজাল তেল মিলেছে। তিন যুবককে আটক করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে কয়েক বছর ধরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই ভেজাল টারপিন তেলের ব্যবসা চলছিল। এদিন বাড়িটি থেকে তেল ছাড়াও প্রচুর খালি বোতল ও ভুয়ো স্টিকার মিলেছে। জানা গিয়েছে কেরোসিন তেল কিনে নিয়ে এসে সেগুলোতে ভেজাল মিশিয়ে বোতলবন্দি করা হতো। বাজার দরের থেকে কম দামে সেই তেল টারপিন তেল বলে রং ও হার্ডওয়্যারের দোকানে পাঠানো হতো। বহুদিন ধরে বাড়িটিতে এই ভেজাল তেলের কারবার চলত। আরো কেউ এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। कब से ये बिजनेस कर रहे हैं? 10-15 बरस। कैसे बनाते थे? यही बस ले आया भर दिया हूँ। क्या ले आए? तेल ले आया हूँ। क्या तेल? तेल है किरोसिन तेल। किरोसिन तेल से क्या बनाते थे? तारपीन। तो किरोसिन तेल से कैसे तारपीन बनाते? वही देखिए तो सामने में तो है। मतलब डुप्लीकेट कुछ मिलाते थे? नहीं कुछ नहीं। तो किरोसिन ही भर देते थे? केरोसिन और तारपीन तो अलग है। तारपीन 300 रुपया लीटर, वो कौन देगा इसको 10-15 रुपया नहीं देता है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पे बेचते थे? सब हार्डवेयर सब है। अच्छा, इतना केरोसिन आपको कहाँ से मिलता था? डिपो से। कौन कौन सा डिपो से? और तेल डिपो होता है वहाँ से, बस वहाँ से ले आया, ड्राम खोला भर दिया। तो ऐसे ही डुप्लीकेट बनाते थे? यही तो है, ये डुप्लीकेट ना, तेल तो है ये। तो केरोसिन और तारपीन तो अलग है? तारपीन तो अलग ही हुआ, 300 रुपया लीटर है। हाँ, और इसका कितना था? इसका 16-17 रुपया वो छोटा डिब्बा को देता है, 30-40 रुपया एक लीटर को देता है। किसी को शक नहीं हुआ? ना, कमाता खाता चारा ना अटाना में वो क्या होगा। तो आपको नहीं मालूम कि ये गैर कानूनी है? ट्रेड लाइसेंस है। तो आप जो बिजनेस कर रहे हैं तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? थोड़ा तो है, ये है गैर कानूनी, ट्रेड लाइसेंस है।